अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन फ्लाई अवे, और इस लेसन के आप लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए अब हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पेपर में पहले फोर ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा कि ए बी सी एंड डी में से राइट आंसर जो है वो आपने चूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर वन एमसीक्यूज क्या है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो राइट आंसर है हर एमसीक्यूज़ का, उसको इस तरह से हाईलाइट कर दिया है ताकि जब आप लोग अपने पेपर की तैयारी करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं कि नंबर वन एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है। द डायरेक्टर डिमांडेड 5000 फ्लाइज टू क्रॉल अराउंड डैश, के डायरेक्टर ने मुतालबा किया था कि उसे 5000 मक्खियाँ चाहिए जो कि क्रॉल करें रींगे किस पर अराउंड। राइट ऑप्शन है बी मॉन्स्टर बेबी, कि वहाँ पे कोई एक डेड लुकिंग सी चीज़ थी, मॉन्स्टर बेबी था, उसके ऊपर जस्ट वो जो फ्लाइज हैं वो क्रॉल करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आई नीड 5000 डैश फ्लाइज, तो राइट ऑप्शन है सी ट्रेंड, कि मुझे 5000 तरबियत याफ्ता मक्खियों की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास, आई हैव ओनली गोट डैश फ्लाइज जस्ट इनफ फॉर टू शॉट्स, के मेरे पास सिर्फ कितनी मक्खियाँ हैं। राइट ऑप्शन है डी 10,042, कि 10,042 मक्खियाँ हैं जो कि सिर्फ दो शॉट्स के लिए काफ़ी होंगी। नेक्स्ट है, आई बिगिन टू डैश काउंट द लास्ट फ्यू, तो राइट ऑप्शन है ए ड्रामाटिकली, कि मैंने ड्रामाई अंदाज में वो जो चंद एक आखिरी मक्खियाँ थीं उनको काउंट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर फाइव, राइट द सिनोनिम ऑफ अपोलोस, के अपोलोस का हम मायनी लफ्ज क्या है वो बताइए। तो फ्रेंड्स, अपोलोस के मायनी होते हैं तारीफ करना, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा ए प्रेज, क्योंकि प्रेज का मतलब भी होता है तारीफ करना और हौसला अफजाई करना। नेक्स्ट है अब हमारे पास नंबर सिक्स, राइट द सिनोनिम ऑफ स्केप्टिकल, के स्केप्टिकल का हम मायनी लफ्ज लिखिए। तो स्केप्टिकल का मतलब होता है शकी, और राइट ऑप्शन है हमारे पास ए डाउटिंग, तो डाउटिंग का मतलब भी होता है शक करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अब हमारे पास नंबर सेवन, राल्फ हेल्फर वाज़ अ डैश, के राल्फ हेल्फर क्या था, तो राइट ऑप्शन है सी ट्रेनर, कि वो एक ट्रेनर था जो एनिमल्स को ट्रेंड करता था। नेक्स्ट है, द फ्लाइज वर पुट टू स्लीप बाय डैश, कि उन मक्खियों को सुलाया जा सकता था किस तरह से, राइट ऑप्शन है डी ट्रैंकुलाइजर, के नशावर दवा के जरिए या फिर वो नींदावर दवा के जरिए उन मक्खियों को सुलाया जा सकता था। नेक्स्ट है, द शूट ऑफ फिल्म वाज शूटेड इन द डैश, कि वो जो फिल्म का शूट है वो कब फिल्माया जाना था, यानी कि कब वो सीन करना था, तो वो करना था, राइट ऑप्शन है सी मॉर्निंग, सुबह के वक्त। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट सिनोनिम ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं शफकत को, कि अफेक्शन का आप हम मायनी लफ्ज लिखिए, तो राइट ऑप्शन है ए टेंडरनेस, टेंडरनेस का मतलब भी हमारे पास होता है शफकत, इसके अलावा हम कह सकते हैं रहम दिली या नरमी। नेक्स्ट है अब हमारे पास 11, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द शूट हेल्पर वाज ग्रीटेड बाय द डैश, तो राइट ऑप्शन है डी क्रू ऑफ डिसबिलीवर्स, के शूटिंग की जब मॉर्निंग थी, सुबह थी, तो हेल्पर को ग्रीटेड होता है मुबारकबाद देना, किसने मुबारकबाद दी, क्रू ऑफ डिसबिलीवर्स, के वो अमला जो कि डिसबिलीवर्स का था, यानी कि वो अमला जो पहले उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने वो अच्छा सा शूट करवा दिया फिल्म का, तो वही अमला जो डिसबिलीवर्स का था उन्होंने उसे ग्रीटेड किया और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी। नेक्स्ट है अब हमारे पास नंबर 12, हेल्पर हैड हिडन द कैप्सूल ऑफ ट्रैंकुलाइजर डैश, तो राइट ऑप्शन है ए इन हिज पाम, के हेल्पर ने वो जो नशा आवर दवा का जो कैप्सूल था वो कहाँ छुपाया था, पाम कहते हैं हथेली को, अपनी हथेली में या अपनी मुट्ठी में छुपाया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन माई ओपिनियन हेल्पर इज डैश, के मेरे ख्याल के मुताबिक हेल्पर है, राइट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका मतलब है कि इसमें ये सब ऑप्शन आ गए हैं, ए भी, बी भी और सी भी, यानी कि हेल्पर क्या था, क्लेवर भी था, चालाक था, साइंटिफिक साइंसदान था, फ्रॉडुलेंट था, यानी कि मकार कह लें या दगाबाज कह लें, तो ये तीनों ऑप्शन उस पर फिट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डी करेंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है हमारे पास, राइट मीनिंग ऑफ जोबर, जोबर का हम मीनिंग यानी कि मतलब बताइए, यहाँ पर सिनोनिम नहीं कह रहे, जस्ट उसका मीनिंग पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर उसका है सी रैपिड स्पीच, तो जोबर का मीनिंग होता है कि मुख्तलिफ काम एट अ टाइम करने वाला, तो
तो ये इसका राइट ऑप्शन फिर आता है सी हमारे पास. नेक्स्ट है जी हमारे पास द प्रोफेसर गेव मी अ डैश ऑफ लार्वा, के प्रोफेसर ने मुझे क्या दिया. राइट ऑप्शन है डी बैच, के प्रोफेसर ने लार्वा का एक मुझे पूरा बैच यानी कि झुंड या जत्था कह लें वो दिया. नेक्स्ट है अब हमारे पास नंबर 16, देन ट्रैंक्विलाइजर वाज ऑफ कोर्स डैश टू पीपल. राइट ऑप्शन आएगा डी हार्मलेस, के वो जो ट्रैंक्विलाइजर है या नशा आवर दवा जो उसने मक्खियों के लिए दी थी बिला शुबा वो इंसानों के लिए बिल्कुल ही बेजरर थी यानी कि इंसानों को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था. द डायरेक्टर डिमांडेड 5000 फ्लाइज टू स्वार्म एंड नॉट एंड टू फ्लाई ऑन डैश. तो राइट ऑप्शन है डी दी डेड बॉडी, के डायरेक्टर चाहता था कि 5000 मक्खियाँ जो हैं वो सिर्फ क्रॉल करें रींगें और उड़े नहीं उस मुर्दा नज़र आने वाले जिस्म पर. नेक्स्ट है अब हमारे पास I hoped I had not bitten off more than I could chew. Means I dash. तो यहाँ पे वो ये फिक्रा हमें कह रहे हैं कि I hoped, मैं उम्मीद करता हूँ I had not bite. जिस तरह हम bite लेते हैं ना, हम खाना खा रहे होते हैं तो bite लेते हैं, निवाला एक बनाते हैं. Off more than I could chew. Chew का मतलब होता है चबाना, यानी कि आप अपने मुँह में उतना ही निवाला डालते हैं ना जितना आप चबा सकते हैं, ज़्यादा मुँह तो नहीं भर लेते ना. तो ये फिक्रा हेल्पर ने लेसन में बोला था कि मैं उतनी बड़ी बाइट नहीं लेता अपने मुंह के अंदर कि जितनी मैं चबा ना सकूं. तो इसका मतलब क्या है, उसने ये जो बात कही थी. तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा सी, इसका मतलब ये है आई होप्ड आई हैड नॉट बर्डन माई सेल्फ बियॉन्ड कैपेसिटी, कि मैं मेरे अंदर जितनी सलाहियत है जितनी काबिलियत है उससे ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन यानी कि बोझ काम का नहीं लाता हूँ. ये है इसका. 19 है हमारे पास डैश इज अ स्पीशी ऑफ स्पाइडर्स. तो राइट ऑप्शन है टरंटुला. टरंटुला क्या है, ये एक किस्म है एक स्पाइडर्स की, मकड़ी की. तो टरंटुला ज़रा जो हम आम मकड़ी होती है ये उससे थोड़ी बड़ी काइंड की ये मकड़ी होती है, थोड़ी बड़ी किस्म की मकड़ी है. तो उसको वो लेकिन होती है किसकी किस्म है, स्पाइडर्स की ही, मकड़ियों की किस्म ही है टरंटुला की. नेक्स्ट है हमारे पास 20, I told the director that I would make a dash of calls. तो right option है कपल A, कि मैं director को बता दूंगा. कपल की मुराद होती है दो या दो से ज़्यादा, कि मैंने make a dash couple of calls, कि मैंने दो या तीन दफ़ा calls करके पता कर लिया है. Next है हमारे पास 21, If you pull this off, I will double your dash. तो राइट ऑप्शन है डी फी, कि अगर तुम ये काम करके दिखा दोगे तो मैं तुम्हारी फीस जो है वो डबल कर दूंगा. ये डायरेक्टर ने हेल्पर से कहा था. नेक्स्ट है हमारे पास एवरीथिंग वाज डैश, कि हर चीज़ वहाँ शूटिंग पे क्या थी. राइट ऑप्शन बी रेडी, कि हर चीज़ बिल्कुल तैयार थी. दे अपीयर टू बी इन डैश. राइट ऑप्शन है सी शॉक, कि वो सब के सब नज़र आ रहे थे. किस तरह शौक कहते हैं सदमे को, कि सदमे की कैफियत में सब चले गए थे जब उसने ये सब किया. तो नेक्स्ट है अब हमारे पास दे लुक्ड फ्रॉम द फ्लाइज टू डैश. उन्होंने मक्खियों की तरफ से पहले मक्खियों को देखा और फिर मक्खियों की तरफ से किसे देखा, टू मी यानी कि हेल्पर की तरफ देखा. नेक्स्ट है हमारे पास वी ऑल ब्रोक अप एंड डैश होम. राइट ऑप्शन आएगा ए हेडिड, कि हम सब ने वहाँ पर आपस में मिलकर खुश हुए या कहका लगाया और घर की तरफ चल दिए. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द वॉइस ऑन द फोन वाज डैश अ मोमेंट. तो राइट ऑप्शन है ए साइलेंट, कि फ़ोन पर आने वाली दूसरी तरफ से जो आवाज़ थी एक लम्हे को वो क्या हो गई, बिल्कुल ही खामोश हो गई थी. नेक्स्ट है हमारे पास ओके आई सेड डैश इट डन. ओके ठीक है मैंने कहा, कि राइट ऑप्शन है बी कंसिडर, के समझो इट डन ये हो गया, ये काम हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास दे कैन नॉट डैश अंटिल ही सेज ओके. तो राइट ऑप्शन आएगा ए लीव, दे कैन नॉट लीव, कि वो नहीं जाएंगी या नहीं उड़ेंगी, यानी कि यहाँ मक्खियों की बात हो रही है कि मक्खियाँ वहाँ से नहीं उड़ेंगी जब तक मैं उन्हें ओके नहीं कहूँगा. नेक्स्ट ऑप्शन है I will stick to each of their dash legs in glue. कि जब वो उसने फ़ोन पर उसे कहा था ना कि तुम किस तरह से उन मक्खियों को वो मुर्दा नज़र आने वाली डेड लुकिंग चीज़ पर इतनी देर तक क्रॉलिंग कराओगे और जब तुम कहोगे तभी वो उड़ेंगी, तो इसके जवाब में हेल्पर ने कहा था कि मैं उनकी जो टांगें हैं ना 20,000 टांगें उनको ग्लू के साथ चिपका दूंगा. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा 20,000, कि मैं उनकी
सारी टांगों को ग्लू के साथ वहाँ चिपका दूंगा, ये उसने मजाक में बात की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, द क्रिकेट वर रेस्ड अप टू फीड डैश, कि क्रिकेट कहते हैं झींगे को, झींगे रेस्ड अप उनकी परवरिश की जाती थी या फिर वो पाले जाते थे, किस लिए, टू फीड खिलाने के लिए, ट्रमटुला कि वो जो बड़ी काइंड की जो मकड़ी होती है उसे खिलाने के लिए वो लोग झींगे पालते थे। नेक्स्ट MCQs है, हाउ मच फ्लाइज वर डिमांडेड, के कितनी मक्खियों की वो डिमांड यानी कि मुतालबा कर रहे थे, तो राइट ऑप्शन है ए 5000, के डायरेक्टर ने कहा था कि उसे 5000 मक्खियां चाहिए। नेक्स्ट है अब हमारे पास, जिलर्स वर्क एरिया कंसिस्टेड ऑफ डैश लैब टाइप केजेस, के जिलर का जो काम करने का एरिया था वो किस पर मुश्तमिल था, राइट ऑप्शन है ए 20 to 30, के 20 से 30 लैब टाइप के केजेस, केजेस कहते हैं पिंजरे को, के उसके लैब में 20 से 30 पिंजरे थे और यही उसका वर्क एरिया था प्रोफेसर जिलर का। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोफेसर जॉनथन जिलर वॉज अ एन डैश, के प्रोफेसर क्या थे, तो राइट ऑप्शन है डी एंटोमोलॉजिस्ट, के प्रोफेसर जॉनथन जिलर जो हैं वो एक माहिर हशरियात थे यानी कि कीड़ों मकोड़ों का इल्म रखने वाले थे, रखते थे। नेक्स्ट है, एन एडिट प्लस वाज द फैक्ट दैट दे वर ऑल हाइब्रिड, के इसमें एक इजाफी जो पॉइंट है खूबी वो ये थी कि वो जो मक्खियां थी वो सब हाइब्रिड थी, इट मीन्स क्या, राइट ऑप्शन है हमारे पास इसमें आएगा डी स्टेराइल, के हाइब्रिड और स्टेराइल का मतलब है स्टेराइल जरासीम से पाक, यानी कि वो मक्खियां बिल्कुल भी नुकसान नहीं किसी को पहुंचा सकती थी, उनमें कोई जरासीम इस तरह के नहीं थे कि वो हार्मलेस हो, हार्म पहुंचाए किसी को। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, जिलर हैड मेड इन द लेबोरेटरी सर्टेन केजेस हीटेड बाय डैश, के वो जो प्रोफेसर जिलर थे उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में कुछ खास पिंजरों को हीटेड किया हुआ था यानी कि उनको हरारत दे रहे थे, तो किस चीज़ के ज़रिए हरारत दे रहे थे वो, राइट ऑप्शन आएगा स्पेशल इन्फ्रारेड लाइट, कि एक ख़ास किस्म की लैंप नीचे उनके जलाए हुए थे और उससे वो उन्हें हीट पहुंचा रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, एट द बर्थिंग टाइम थाउजेंड ऑफ फ्लाइज वर बजिंग अबाउट लिविंग डैश, के उनकी पैदाइश के वक्त हज़ारों मक्खियां जो हैं बजिंग अबाउट, बजिंग होती है मक्खियों की जो भिनभिनाहट होती है, लिविंग डैश, तो राइट ऑप्शन आएगा डी देयर मैगोट बॉडीज, के वो अपने मैगोट बॉडीज के उनका जो खोल वाला जिस्म होता है उसको छोड़ने के लिए तैयार थी, कि वो छोड़कर बाहर आईं जब तो उनकी बजिंग भिनभिनाहट साफ सुनाई दी गई। नेक्स्ट है हमारे पास, The flies could be dash with the wild set inside the fly box within second. तो राइट ऑप्शन है हमारे पास बी पुट टू स्लीप, के फ्लाइज कुड बी पुट टू स्लीप, के उन मक्खियों को सुलाया जा सकता था विद द वायल सेट इनसाइड द फ्लाई बॉक्स, के वो जो वायल होता है छोटी सी शीशी, कि अगर वो शीशी उसके अंदर कर दी जाए मक्खियों वाले बॉक्स के अंदर तो जस्ट सेकेंड्स के अंदर ही उन्हें सुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, All in good nature, the crowd was dash before the shoot. Right option है making bets and jokes, के वो shoot से पहले the crowd वो जो सारा वहाँ पर अमला था वो क्या कर रहे थे, making bets and jokes. Bets होता है शर्ट लगाना, joke होता है लतीफ़े बनाना, कि वो इस बात पर शर्तें लगा रहे थे कि देख लो शर्ट लगा लो ये ऐसा कर ही नहीं सकता, और उस पर jokes बना रहे थे। Next MCQs है हमारे पास, जॉनथन जिलर कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट स्टेज व्हेन लार्वा वुड बिकम डैश, कि वो जो प्रोफेसर जॉनथन थे उन्होंने क्या किया था, राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए फ्लाइज, कि उन्होंने कैलकुलेट किया था, जमा किया था एग्जैक्ट स्टेज वो वाला मरहला जब लार्वा ने वुड बिकम फ्लाइज, के उन लार्वों ने मक्खियाँ बन जाना था। नेक्स्ट है हमारे पास, समबॉडी डैश द फ्लाइज वुड देम हैव टू फ्लाई, राइट ऑप्शन आएगा बी हैड टू वॉक बाय, के समबॉडी हैड टू वॉक बाय, कि किसी शख्स ने उस मुर्दा चीज़ के पास से गुजरना था, द फ्लाइज वुड हैव देन हैव टू फ्लाई, तो फिर ही उन मक्खियों ने उड़ना था, उससे पहले वो नहीं उड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉक्स वाज अबाउट टू थ्री फीट हाई एंड टू फीट डैश, कि वो जो मक्खियों वाला उसके पास बॉक्स था वो तकरीबन 2 से 3 फीट ऊंचा था और 2 फीट ही क्या था, ये स्क्वायर यानी कि चौड़ा था। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द नेक्स्ट डे
आई डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन, अगले दिन राइट ऑप्शन आएगा बी विजिटेड, के मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से मिलने गया। नेक्स्ट है जी, देन व्हेन आई टेल यू टू लेट देम गो दे विल ऑल फ्लाई अवे डैश, के जब मैं आई टेल यू टू लेट देम गो कि जब मैं तुम्हें कहूँगा कि वो चली जाएं, दे ऑल फ्लाई अवे, राइट ऑप्शन है डी इमीडिएटली, कि वो सब फौरन वहाँ से उड़ जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ओके गाइस, जैक बिल मैरी कम ऑन हेल्पर सर्ट सेट सो टू डैश बिफोर द शूट, तो हेल्पर ने ये बात किससे कही थी, राइट ऑप्शन है सी फ्लाइज, क्योंकि जब वो ये सीन कर रहा था तो उसने मक्खियों को ना उनके नाम रख दिए थे, जैक बिल मैरी, ये उसने मक्खियों के नाम रख दिए थे और उनको इस तरह नामों से बुलाकर उसने कहा कि ठीक है जैक बिल मैरी कम ऑन आ जाओ, और उसने फिर कहा, जब उसने ये कहा ना कम ऑन, और फिर वो सारी फ्लाइज जो हैं बिफोर द शूट वहाँ पर उसने जब डाली तो उसने नामों से पुकार कर ही उसने वहाँ पर डाली थी डेड लुकिंग चीज़ पर, और फिर एंड पे जब उसने इन मक्खियों को उड़ाना था तब भी नाम लेकर ही उसने कहा कि अब उड़ जाओ, तो वो सब उड़ गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, सम टाइम डैश ट्रेनिंग वॉज नॉट द ओनली आंसर, तो राइट ऑप्शन है ए अफेक्शन, के बाज़ औक़ात जो आप मुशफिकाना तरबियत है वो हर काम का जवाब नहीं होती या वो हर वक्त काम नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फ्लाई अवे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, आपने ये इस तरह अच्छे से याद करने हैं ताकि अगर आपके पेपर में इनमें से जो आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें।